हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो है आपका साई स्क्वायर टेस्ट। और आप अनसोल्ड में देखोगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साई स्क्वायर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वॉज डिस्कवर्ड बाई हेलमेंट एंड डिफाइंड बाई कार्ल पियर्सन। एक्सटिव साई स्क्वायर टेस्ट जो है यूज़ क्यों होता है, टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ की टेस्टिंग करने के लिए यूज़ होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पल वेरिएशन एंड द गुडनेस ऑफ फिट ऑफ अ थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस इन अ कॉन्टिजेंसी टेबल। ओके, तो ये आपका साई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। साई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा साई वन माइनस साई बार स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो आपसे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, आपको इसके बारे में लिखना है एंड आपको फॉर्मूला पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एफ टेस्ट। जो एफ टेस्ट होता है वो क्यों यूज़ होता है, इस पर भी अनसोल्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो चलिए देखते हैं आप इसमें क्या लिखोगे। एफ टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द प्रिसीजन ऑफ 2 सेट ऑफ डाटा और टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ वेरिएबिलिटी इन ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड ऑन 2 डिफरेंट अपरेटस लैब और एनवायरमेंटल कंडीशन। ओके, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, S1 square by S2 square। तो एफ टेस्ट जो होता है वो मेनली यूज होता है कि आपके अगर जो कोई 2 वैल्यू है, कोई आपको 2 सेट ऑफ डाटा दे रखा है, उसमें से कौन सी वैल्यू आपकी सही है। ओके, तो उसके लिए यूज होता है ये, और ये यूज होता है और टेस्ट करने के लिए इक्वालिटी ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब इक्वालिटी क्या है, दोनों आपको जो 2 टेस्ट ऑफ डाटा दिया है उसकी इक्वालिटी के लिए भी ये यूज होता है। इसका फॉर्मूला ये लिखोगे। ओके, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से अगर हम देखें तो, क्योंकि अनसोल्ड में भी पूछे गए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। ओके।